हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हमारी हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न। हमें रीज़न देना है किसके लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए, कि ट्रू है या फॉल्स है, और है तो किस रीज़न से है। फर्स्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, इज़ ए रियल नंबर, वो सभी रियल नंबर हैं। रियल नंबर के अंदर कौन कौन आता है, रैशनल प्लस इरेशनल, दोनों नंबर आते हैं ना हमारे पास रियल के अंदर। तो जितने भी रैशनल नंबर हैं वो क्या होंगे, रियल नंबर। ट्रू, बिकॉज ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर इन द रियल नंबर्स, क्योंकि हमारे पास सभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स रियल नंबर में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट जो किसके फॉर्म में, इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, जो रूट की फॉर्म में है। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, एम क्या है हमारे पास, एक नेचुरल नंबर है। तो ये हमारे पास कैसे हो गया फॉल्स, जैसे हमारे पास रूट वन, रूट टू, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, इनको तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते नंबर लाइन पे, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स हैं नंबर लाइन पे नहीं होते, हम वैसे ड्रॉ कर सकते हैं बट ये नंबर लाइन पे नहीं होते, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है वो हमारे पास 1 2 3 4, और जो हमारे पास लाइन होती है, नंबर लाइन होती है, उस पे हमें नेचुरल नंबर को ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फॉल्स है, रूट फाइव एंड रूट सिक्स, देर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, इसके अंदर कितने इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। रूट फाइव को ओपन करेंगे कम्प्लीटली नंबर नहीं मिलेगा हमें, कैसा नंबर मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा जो कभी भी कम्प्लीट नहीं होगा, और कम्प्लीट नहीं होगा तो इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते। एंड दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म रूट एम, उसको हम किस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, रूट एम को इसमें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जबकि एम क्या है हमारे पास, यहाँ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं सभी इरेशनल होते हैं। फॉल्स है, क्यों, क्योंकि रियल नंबर के अंदर कौन कौन आते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। तो जितने भी रियल नंबर है क्या वो सारे के सारे इरेशनल हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि रियल नंबर में कौन होंगे, कुछ रैशनल भी होंगे। फॉल्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सभी इरेशनल और रैशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं, बट सभी रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर द स्क्वेयर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। आर द स्क्वेयर रूट, क्या स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, जो भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जैसे 1 2 3 4, सभी क्या वो सभी इरेशनल हैं। इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल दें ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ ए नंबर, एक नंबर के स्क्वेयर रूट का हमें एग्जाम्पल दे, दैट इज ए रैशनल नंबर, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब हमारे पास इरेशनल नंबर के अंदर कौन कौन आते हैं, 1 भी आता है, 2 3 4 5, ये सभी आते हैं, क्या इन सभी का स्क्वेयर रूट, देखो 1 का स्क्वेयर रूट करेंगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, इसका स्क्वेयर रूट करेंगे ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, रूट फोर का करेंगे क्या आया, 2 आ गया। तो हमारे पास कम से कम 1 और 2, ऐसे बहुत से नंबर ऐसे मिलेंगे हमें जो कम्प्लीटली हमारे पास, जिनका कम्प्लीटली स्क्वेयर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है, और उनको हमें रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सभी जितने भी इंटीजर्स हैं सभी का जब हम रूट फाइंड करते हैं तो सभी इरेशनल नहीं हो सकते, जैसे स्क्वेयर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वेयर रूट आर नॉट इरेशनल, इरेशनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 9 हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, जब हमने इसका रूट फाइंड किया तो क्या आया, 3, बट 3 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर, ये तो इरेशनल नहीं है। तो ये हमें एक एग्जाम्पल से शो करना था, ठीक है। नेक्स्ट है, शो दैट रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट फाइव को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे,
2 represent root 5 on the number line. We take a length of 2 units from AO on the number line in positive direction. O से हम एक length लेंगे 2, किसमें positive direction में and 1 unit perpendicular to it और 1 unit हमारे पास उसमें perpendicular होगी इस पे. The hypotenuse of the triangle thus form D is of length root 5. जो हमारे पास hypotenuse, ये हमारे पास जो hypotenuse है उसकी जो length आएगी वो किसके equal आएगी, root 5 के. Then with the help of a divider, a length equal to the hypotenuse of root 5 units can be cut on the number line. अब हमें ये देखना है कि हमने कैसे draw किया. उसके लिए मैं आपको बताती हूँ हमने कैसे draw किया. हमारे पास क्या है, root 5. रूट 5 को हमने ब्रेक कर दिया. रूट 5 हमारे पास क्या है, हाइपरटेन्यूज. हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपरटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसके इक्वल होता है. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5. तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, रूट 5 के इक्वल. ये हमारे पास बेस लेके चल पड़े, ये हम परपेंडिकुलर लेके चले. अब हम रूट 5 के लिए ड्रॉ करेंगे. कैसे ड्रॉ करेंगे ये आपको मैं बताती हूँ. सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है हमारी मर्जी से, कितनी भी हम लेंथ ले सकते हैं, ठीक है. ये पॉइंट मेरे पास है 0. उसके बाद 1-1 डिस्टेंस पे ड्रॉ किया मैंने, ये 0 आया, ये 1 है हमारे पास, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है. अब हमारे पास 2 हमने क्या लेके चल रहे हैं, बेस. तो हमारे पास 2 क्या है, बेस. 2 हमारे पास बेस है. तो यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे इसको. ये हमने ड्रॉ करके दिखा दिया 0 से 2. 0 जो पॉइंट है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, ओ. ओ नाम भी दे सकते हैं हम इसको, ठीक है. ये हमारे पास ओ पॉइंट है और हमने यहाँ से 2 डिस्टेंस ले ली. उसके बाद हमारे पास 1 क्या है, परपेंडिकुलर है. तो हम इससे 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एस से. ये हमारे पास क्या हो गया, 1, सॉरी एक मिनट, 1 से नहीं, 2 से ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है. 2 से हम ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस. 2 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और कितना, 1 यूनिट, ठीक है. जितनी भी हमने यूनिट ले रखी है, 1 के लिए रखी, अगर हमने 2 की एक यूनिट ले रखी तो हम यहाँ भी 2 ड्रॉ करेंगे, ओके. अब हमारे पास 1 की यूनिट पे था ना, इसलिए 2 यूनिट यहाँ ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट यहाँ. अब इसको हम किससे मिलाएंगे, ओ से. ये हमारे पास है ओ, इसको हमने इससे मिलाया एस से, ठीक है. अब हमारे पास जितनी भी ये है, कंपास ओपन करके हमें ये देखना है कि ये इन दोनों की डिस्टेंस क्या है. इस डिस्टेंस पे ऐसे करके, ऐसे करते हुए आपको इसको कट करना है, ठीक है. अब जहाँ भी ये कट करेगी, ये जहाँ भी कट करेगी, ये जो पॉइंट आया आपके पास, इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, रूट 5. इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, रूट 5. और ये हाइपरटेन्यूज भी आपके पास क्या होगा, रूट 5. इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे रूट 5 को, ओके. ये 3 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में. थैंक यू.